लड़का समझदार है, पढ़ा लिखा है और सबसे बढ़ के करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस। कल्चर के मुताबिक मुझसे मेरी मर्जी पूछी नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि परसों मेरा निकाह है। पहले तुम्हारा दुपट्टा गया, फिर सलवार कमीज गई, और अब ये स्कर्टें पैंटे पहन पहन कर तुम्हारी तो दिमाग भी पटरी से उतर गया। सऊदी अरब में रहने से आप मजहब के ठेकेदार नहीं बन गए। जो मिजरेबल लाइफ आपने पापा के साथ गुजारी है उससे सबक सीखना चाहिए था। आज आप हिना के लिए कुछ न कर सकी, कल मारिया के साथ भी यही कुछ हो। शरीफ खानदान में अलायदगी या तलाक का कोई तसव्वुर नहीं होता। वो तो शुक्र करें हिना बड़ी फरमा बरदार है, वरना कुछ भी हो सकता था। आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं इसलिए चुप रही कि तू लड़का है और वो गोरी है। मुबारक हो, कनाडा ने तुम्हें कबूल कर लिया। मैं फिर आई हूँ। ओ माय गॉड। आखिर आप में क्या कमी है? बल्कि इजाफे। तुम अपना भी घर बर्बाद कर बैठो। सुना तुमने? मैं देख लूंगा डैडी को भी और इस पासिम को भी। मैंने फौरन लास्ट वार्निंग फोन खड़का दिया कि फौरन घर पहुंचो, वरना मैं भी यहाँ वो कुछ बेचना शुरू कर दूंगी जो तुम वहाँ खरीद रहे हो। खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरा क्या तस्वीर है?